कर नहीं पाता है वो बेटे में देखता है। मेरे मन की बात थी, पिताजी ने कुछ सपने देखे थे मेरे, हमने शुरुआत की, लेकिन लगा कि हम हो सकता है उसको नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि माननीय अभी दिसंबर जी थे, हम बोल कर गए। मैंने एक बार दिल्ली में थे, सदन में कुछ एक बिल पर चर्चा हो रही थी, बेचारे अकेले खड़े थे, परिस्थिति बस चाहे जैसे भी हो, राजनीति में ढेर सारे मोड़ आते हैं, लेकिन वो समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेकिन बदमाश पार्लियामेंट ने वोटिंग कराई कि इनकी बात सही है कि नहीं सही है, और सारे ढेर सारे सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया। बड़ा मुश्किल हम लोगों ने दो लोगों को फोन करके, चाहे जैसे भी, मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं का, ढेर सारे मैन जो दिल्ली में रहते हैं, दो आदमियों ने साथ दिया और उस दिन प्रति मोटी हुई। हमको लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा वकील भेजना होगा जो बिना किसी कहे अपनी वकालत करके समाज का हक दिलाने का दिल्ली में सदन में काम करे। अभी सब लोगों की तरफ से आज सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और एक बार सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियों। भाषण तो मैं बहुत दिया, चूंकि पार्टी का नाम ही भाषण पार्टी, लेकिन उस भाषण में अंतर है, और इसको लगभग सभी पार्टी समझ गए। एक पत्रकार, जब मैं गोरखनाथ मंदिर में मच्छिन्द्रनाथ का दर्शन करने गया इलेक्शन के चार दिन पहले, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली गया था, और वहां जब बैठक हुई तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूं, पदाधिकारी भी हूं, पत्रकार भी हूं, लेकिन बरामदे में बैठकर अमित शाह ने अपने सर पर हाथ रखकर लटका ली और कहा दुनिया का मैं सबसे बड़ा रणनीतिकार हूं और मेरी भी रणनीति फेल करने वाला एक कोई पैदा हो गया। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपके लिए मैंने पहले भी कहा था, मीठा मीठा कहने से मीठा नहीं होगा मुंह। अगर आप चाहते हो कि मीठा मुंह हो तो खेत में जाकर गन्ना पैदा करना पड़ेगा, अगर नहीं खेत है तो बुद्धि से पैसा पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आपको मीठा सामान मार्केट से मिल सकता है। दो स्थितियां मैंने आपसे बता दी, राजनीति है, राजनीति आज 70 सालों से, मैं धन्यवाद दूंगा मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय कांशीराव महन मायावती जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूँ। उन लोगों ने रास्ता बनाया और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको कामयाब करने के लिए सड़क पर उतारा और हम लोग में कामयाब होना शुरू हो गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको मैंने रास्ता बताया था, कहा गया हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। निषाद समाज के लोग कभी रूलिंग कास्ट हुआ करते थे, इलाहाबाद का श्रृंगेरपुर का किला कहता चिल्ला कर कभी आपके टूट के कानून बनाते थे, आज उसको हकीकत में बदलने के लिए निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया और उस कानून बनाने की अदालत में आपके बेटे को पहुंचा दिया। आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये 9 महीने केवल टेस्ट मैच था, फाइनल मैच 2019 का है। गांव के लोग कुछ नहीं जानते, वो जानते सांसद जी हो गए हमें पैसा चाहिए, सांसद जी हो गए हमें काम चाहिए, सांसद जी हो गए हमारे सारे दुख दर्द की दवा हो गए, लेकिन उसमें आप कार्यकर्ता बन के जो दिल्ली वाले हों, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के हर मोहल्ले में आप जाइए, माननीय अखिलेश यादव कुमारी बहन मायावती जी के
उस विचारधारा को और डॉक्टर संजय की इस रणनीति को उस मोहल्ले में पहुंचाइए और दिल्ली में रहने वाले लोगों को कहिए कि अपने क्षेत्र अपने गांव को गोद ले लो। लड़ाई आज से शुरू हुआ है 2022 में जब तक मिलेगी अपने गांव को संभालिए, क्योंकि हमने वो रास्ता करके दिखाया जो दुनिया में कहा जाता था कि कभी नहीं हो सकता। लोग यही कहते थे कि मंदिर से सीट नहीं हट सकती, कोई हरा नहीं सकता, मुख्यमंत्री को कोई नहीं हरा सकता, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन आज मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि सारे मिथक को तोड़ते हुए विजय प्राप्त किया, संदेश दिया कि बहुत अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, शुरुआत आ जाए। कैसे होगा उसके लिए मैं एक संदेश मैंने कहा था। आज मैं जब पार्लियामेंट में पहली बार गया, जब वहां देखा स्थिति, मैं स्पीकर गैलरी में था, वहां बहुत मुश्किल से खुशी लोगों को याद मिलती है। मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के हम सांसद धर्मेंद्र जी को, माने रामगोपाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को, जिन लोगों ने हम लोगों को गैलरी में पहुंचाकर स्पीकर के नजदीक पहुंचाया कि कैसे लोगों के भाग्य लिखे जाते हैं और कैसे बिगाड़े जाते हैं। उस जगह जाने के बाद मेरी कोई कहानी याद आई अम्बेडकर साहब की, अम्बेडकर जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर आए और बॉम्बे बीच रेलवे स्टेशन पर उतरे तो गेट से बाहर जब निकल रहे थे तो एक भिखारी जो था बेचारा एक दोने में जो है पत्थर में रोटी डुबो कर खा रहा था, दोने में कुछ था नहीं। जब वो झटके में अम्बेडकर साहब बाहर निकल गए, सोचते हुए देखे उसके ऊपर नजर पड़ी रोटी डुबो के खा रहा है, लेकिन दोने में कुछ था नहीं। वो सोचने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर संजय जैसे, जैसे ही दूर गए 50 मीटर उन्होंने कहा दोने में कुछ था नहीं, रोटी वो खा रहा था, कि क्या बात है, चलो पूछते हैं। दौड़ के वापस आए तब तक उसकी रोटी खत्म हो गई थी, दोना बगल में रखा था। पूछा अम्बेडकर ने भिखारी, उन्होंने कहा हाँ मालिक। एक किताब उनकी है बैड वर्ड यूज बाई द अम्बेडकर फॉर द ओन सोसाइटी, अंग्रेजी में किताब है, उसमें लेख हमको पढ़ने को मिला, बहुत आंसू भरी लेख है उनका, उसमें ढेर सारी चीजें लिखी हुई है। तो उसमें लिखा बोला लिखा है अंग्रेजी में लिखा है, भिखारी अभी रोटी खा रहे थे दोने में बोल कर, कहा हाँ मालिक, दोने में कुछ नहीं था तो रोटी क्यों भिगा के खा रहे थे डुबो के। उसने कहा मालिक कोई गलती नहीं, क्योंकि अम्बेडकर बहुत कमजोर दशा में नहीं रहते थे, अम्बेडकर का रहन सहन बोली भाषा विचार कपड़े ऐसे थे कि उसको देख कर लोग बदले। हाथ जोड़कर भिखारी उनके सामने खड़ा हो गया, मालिक मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि अधिकारी जैसे थे। उसको भय था, लगता है कि किसी की रोटी चुरा के खाए होंगे, उसमें कहीं हमको बंद न करा दे। पूछा भिखारी तुम रोटी खा रहे थे? कहा मालिक खा रहे थे, दोने में डुबो रहे थे? हाँ मालिक डुबो रहे थे। कहा तो उस दोने में कुछ नहीं था? उसने कहा दोने में क्यों डुबो रहे थे, कुछ नहीं था? कहा नहीं साहब कुछ नहीं था, दोने में इसलिए डुबो रहा था कि मन में सोच रहा था कि दोने में मिर्च और नमक होगा, सोच रहा था इसलिए मुंह से लार बन रहा था, रोटी बहुत सूखी थी मेरे गले में अटक रहा था, इसलिए मैंने मालिक कोई गलती नहीं। इतना मार्मिक सब उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने गाली देकर उसे कहा अबे सोच रहा ही था तो मिर्च नमक क्यों सोचे, घी क्यों नहीं सोचे। उसने शब्द कहा मालिक मैंने कभी घी का नाम नहीं सुना, आज आपके मुंह से घी का नाम सुन रहा हूं, कभी मिलेगा खाऊंगा तो क्यों सोचूंगा। अम्बेडकर ने कसम खाया, ये जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, गांव में रहने वाला वंचित समाज है, बिखरा समाज है,
जब तक इसको राजनीति नहीं दिखाया जाएगा, जब तक नहीं सिखाया जाएगा, अधिकार पाने वाला नहीं है। मैं माननीय अखिलेश यादव को धन्यवाद दूंगा, समाजवादी पार्टी के परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इस निषाद